हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीबीएन स्टडी टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टराइजेशन चैप्टर दैट मीन्स इट्स अ टॉपिक आर कॉमन एरर्स फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में टॉपिक किया था पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन एरर्स दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नाउ वी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक कॉमन एरर्स कॉमन एरर्स क्या होते हैं एरर्स वो हैं जो जो कि बच्चे छोटे छोटे गलतियां करते रहते हैं जो कि मैं आपको एक एग्जांपल्स में समझाऊंगी व्हाट आर द कॉमन एरर्स फर्स्ट एग्जांपल इज थ्री एक्स माइनस फोर फैक्ट्राइजेशन चैप्टर में हम ये देखेंगे कॉमन एरर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कॉमन ऐसे करते हैं कि थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और थ्री को ही फोर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ऐसे लिख देते हैं थ्री एक्स माइनस फोर दिस इज द रोंग आंसर नाउ आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टॉपिक सबसे पहले हम थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स थ्री एक्स फिर हम थ्री को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज द ट्वेल्व दिस इज द करेक्ट आंसर एक बार मैं फिर समझाऊंगी आपको थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स थ्री को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज टू एक्स स्केयर फ्रेंड्स रिमेंबर इट्स अ होल स्केयर जबकि स्टूडेंट्स करते हैं टू एक्स स्केयर का विदाउट होल स्केयर ऐसे ही लिख देते क्या ये करेक्ट है नो इट्स अ रॉन्ग आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर इज टू एक्स स्केयर कि दो बार मल्टीप्लाई किया है टू एक्स स्केयर का आएगा टू इंटू टू एक्स्यर इट मीन्स फोर एक्स स्र दिस इज द करेक्ट आंसर सो टू का स्केयर भी होगा और एक्स का स्केयर भी होएगा. मतलब कि टू का स्केयर भी होएगा और एक्स का स्केयर भी होएगा तो इसका आंसर आएगा फोर एक्स मतलब कि पूरे, पूरे का पूरे का स्केयर होएगा so this is the correct answer 4x square now it's come to the next error is if I solve if I solve like 2a minus 3 a plus 2 यानी कि 2a minus 3 एक bracket में है, 2a plus 2 एक bracket में है। it means बच्चे ऐसे करते हैं टू ए टू ए को साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि टू ए स्केयर माइनस सिक्स नो इट्स रॉन्ग इट्स अ करेक्ट आंसर इज सबसे पहले हम टू ए को ए प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये माइनस थ्री हम यहाँ पे लिखेंगे सो so देन फिर दोबारा ए प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो so, इसका आंसर आया टू ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया टू ए टू ए को टू के साथ मल्टीप्लाई किया फोर ए माइनस थ्री का थ्री हम ऐसे लिखेंगे और थ्री को ए के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री ए और माइनस अगर है तो अंदर तो एडिशन का साइन चेंज हो के माइनस हो जाएगा तो थ्री टू का सिक्स आ जाएगा एक बार मैं फिर समझाऊंगी टू ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया टू ए स्क्र प्लस टू ए को टू के साथ मल्टीप्लाई किया फोर ए आ गया माइनस का माइनस हम ऐसे लिखेंगे सो so, थ्री के साथ ए को मल्टीप्लाई किया थ्री ए अगर फ्रेंड्स बाहर नेगेटिव uh, साइन है तो अंदर जग, अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो एडिशन की जगह माइनस आ जाएगा थ्री टू का सिक्स आ जाएगा सो so, हम देख सकते हैं फोर ए माइनस थ्री ए को हम ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे टू ए स्क्वेयर प्लस फोर ए यानी कि फोर ए माइनस थ्री ए इसमें से हम अगर हमने माइनस किया तो ए के हम हमारे पास बच्चा वन तो ए आएगा माइनस सिक्स इट इज द करेक्ट आंसर इट इज द करेक्ट आंसर ओके स्टूडेंट्स देन वी वी विल स्टडी अबाउट द अदर एरर्स फोर्थ टॉपिक इज एक्स प्लस एट का होल स्केयर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं एक्स प्लस एट का होल स्क्वायर यानि कि हमारे पास आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी स्टूडेंट्स इसमें एरर्स कई तरह के करते हैं बच्चे यानी कि ऐसे लिख देते हैं एक्स स्केयर प्लस एट का स्क्वायर लिख के सिक्सटी फोर कर देते हैं इट इज़ अ रॉन्ग बिकॉज इट्स आइडेंटिटी हम इसे इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे ए स्केयर यानि कि एक्स का स्केयर प्लस बी स्केयर यानि कि एट का स्केयर थर्ड इज टू ए बी टू ए ये ए है हमारे पास ये बी है एक्स इंटू एट यानि कि हमारे पास आंसर आया एक्स स्केयर प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन एक्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्सटीन एक्स प्लस सिक्सटी फोर इट इज द करेक्ट आंसर मैं आपको एक बार फिर समझाऊंगी एक्स प्लस एट का होल स्क्र को हमने इस फॉर्मूला में अप्लाई किया और एक्स का स्क्यर हमने लिख दिया ए स्क्यर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि एट का स्क्र प्लस टू ए बी टू एक्स इंटू एट यानी कि हमारे पास आ गया एक्सकेयर प्लस सिक्सटी फोर प्लस एक्स इट इज द करेक्ट आंसर सो फ्रेंड्स एरर्स जो कि बहुत कॉमन है सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन दिस एक्सरसाइज नाउ यू हैव टू गो टू योर स्टडी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू फ्रेंड्स